भारत में स्कूल कॉलेज कोचिंग फिर से कब तक खुलेंगे, इसको लेकर गृह मंत्रालय सभी राज्यों के साथ कर रहा है मंथन। जल्द ही एनसीटी जारी करेगा नई गाइडलाइन, इन राज्यों में 1 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज और कोचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संबंधित हर न्यूज पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य के स्कूल कॉलेज या कोचिंग खोलने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों इस कोरोना संकट के बीच आपकी क्या राय है, कोचिंग स्कूल या कॉलेज खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों हाल फिलहाल में भारत में अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया चल रही है। 31 जुलाई तक किसी भी राज्य में स्कूल कॉलेज या कोचिंग नहीं खोले जाएंगे, परंतु दोस्तों 1 अगस्त से आपके कई राज्य में स्कूल कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि लगातार दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण नहीं है पिछले 1 महीने से, जहाँ कोरोना के केसेज नहीं आ रहे हैं, वहाँ दोस्तों स्कूल कॉलेज और कोचिंग सरकार सिलसिलेवार तरीके से 6 चरण में आपकी खोल सकती है, जिसमें पहले चरण अगर स्कूल की बात करें तो यहां दोस्तों 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को है ओड इवन के माध्यम से बुलाया जाएगा, साथ ही दिन में 2 शिफ्ट के माध्यम से बुलाया जाएगा। वही दोस्तों सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है कि अभी जो भी सिलेबस है उसमें भारी कटौती कर दी है, साथ ही कई राज्यों ने भी इस फैसले को लेकर है वो अपना राज्य सरकार ने भी फैसला ले लिया है। वही दोस्तों बात करें कॉलेजों की, दोस्तों कॉलेज अभी सितंबर तक है वो शुरू होने की बहुत ही कम चांसेज है, क्योंकि लगातार दोस्तों बहुत सारी भारत में खबरें आ रही है कि कई कॉलेजों में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, दोस्तों वहां का स्टाफ है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको लेकर सरकार लगातार चिंतित है। साथ ही मंथन कर रही है कि जो भी ग्रामीण एरिया है वहां आपके स्कूल कॉलेज और कोचिंग खोले जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पिछले 1 से 2 महीने से आपके कोई भी केसेज नहीं आ रहे हैं, आपके भी लगातार कमेंट रिसीव हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार भी आपकी पूरी समीक्षा कर रही है, ताकि जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई ना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई पिछले 3 से 4 महीने से खराब हो रही है, उनकी पढ़ाई सरकार रेगुलर कर सके। तो दोस्तों इसको लेकर सरकार आपके लिए 1 अगस्त से पहले गाइडलाइन तैयार करके रिलीज कर देने वाली है, जिससे आपको डायरेक्टली फायदा होने वाला है। और दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को या आप खुद हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कोरोना ऐसी बीमारी है जो फैलने के बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य में स्कूल और कॉलेज या कोचिंग कब तक खुलेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी स्कूल और कॉलेज है वो अगस्त के लास्ट तक खुल सकते हैं। वही दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो इसको लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। 1 अगस्त से आपके 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को है स्कूलों में कुछ चरणों में आपका बुलाया जा सकता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज आपके अगस्त में भी नहीं खुल सकते, क्योंकि दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में जो भी नियम है वो सख्ती से पालन उनका करवाया जा रहा है, तो 15 अगस्त के बाद ही वहां स्कूल और कॉलेज है उत्तर प्रदेश में खुल सकते हैं। राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। वही हरियाणा की दोस्तों बात करते हैं तो हरियाणा में, पंजाब में दोस्तों सेम कंडीशन है, 15 आपके अगस्त के बाद ही स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़ सही दोस्तों जो भी आपके राज्य हैं उनकी बात करें तो वहां भी 15 अगस्त तक सरकार ने डेडलाइन दे दी है कि वहां स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिनमें असम है, मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है, वहां दोस्तों 1 अगस्त से आपके स्कूल और कॉलेज हैं वो सरकार खोलने को लेकर पहले फैसला कर चुकी है। वहां दोस्तों आपके स्कूल और कॉलेज जल्द ही खोले जाएंगे। और दोस्तों सरकार का साफ साफ कहना है कि जहां कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा वहां सरकार भी चाहती है कि आपके 1 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, ताकि दोस्तों जो भी बच्चे और अभिभावक परेशान हो रहे हैं उसका निजात मिल सके, साथ ही बच्चों का जो पढ़ाई में गैप आया है उसको भी सरकार पूरा कर सके। दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना राज्य और अपना जिला जरूर बताएं।